हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल टीवी के नए अपकमिंग शो के बारे में, जिसका नाम है ब्रिज के गोपाल। दशमी क्रिएशंस प्रोडक्शन हाउस की तरफ से शो आ रहा है। और बात करें इसके मेल लीड की, तो आपको बताया ही था कि पारस अरोड़ा प्ले कर रहे हैं शो में मेल लीड, यानी कि लॉर्ड कृष्णा का जो रोल होगा वो पारस अरोड़ा निभाने वाले हैं। तो फीमेल लीड का भी मैंने आपको बताया था, यानी कि राधा का जो रोल है वो मैंने आपको बताया था कि झलक देसाई प्ले करने वाली हैं इस शो में, जिनको दूसरे शो जैसे कि राधा कृष्ण वगैरह से भी जाना जाता है। लेकिन अब इसमें एक चेंज है, इसमें एक अपडेट है, वो ये है कि झलक देसाई ऑप्ट आउट कर गई हैं इस नए सीरियल से, और अब ब्रिज के गोपाल में आपको वो देखने को नहीं मिलेंगी एज राधा। इसका रीज़न ये है कि जो स्टार भारत का राधा कृष्ण है उसमें उनका ऑलरेडी जो करेक्टर है उसमें वो दोबारा एंटर करने वाली हैं, और उन्होंने इस नए शो से ऑप्ट आउट कर लिया है राधा कृष्ण में एक्ट करने के लिए। तो बात करें अब इस शो में राधा कौन प्ले करेंगी, तो गाइज़ मेकर्स ने ऑलरेडी रिप्लेसमेंट जो है वो ढूंढ ली है। एक्ट्रेस मनु इस शो में प्ले करने वाली है मेन फीमेल लीड, यानी कि राधा का रोल वो इस सीरियल में निभाने वाली हैं। तो हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री के नए राधा कृष्ण जो की हैं वो होने वाली हैं मनुल और पारस, जिनको आपने देख लिया है। पहले झलक देसाई होने वाली थी लेकिन अब उन्होंने खुद ऑप्ट आउट कर लिया है। तो मेकर्स ने काफ़ी क्विकली जो है रिप्लेसमेंट ढूंढ ली है, और दोनों मेन लीड्स यानी कि राधा का रोल और कृष्ण का रोल दोनों फाइनलाइज हो चुके हैं एक्टर्स इन रोल्स को निभाने के लिए। तो आप इस शो के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसकी और सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टॉलीवुड अपडेट्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसके साथ में जो बेल आइकन यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें जब मैं वीडियोज़ डालूँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।